विज्ञान देखना था क्या है क्या नहीं, तो जस्टिस अनिल उपाध्याय और जस्टिस वीरेंद्र कुमार दो बोल था अलग अलग। तो मैं गया शाम को रात तक वही गेट के बाहर खड़ा था। तो जितने लड़के निकलते थे पूछते हैं, अमूमन लोग देखते ही होंगे यहाँ पर निकल सर, वहाँ भी मैं गया वहाँ पूछा मैं कि क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले यही लोग वो लोग बताते थे पूछते थे कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब आप सब्जेक्ट क्या पढ़ते हैं। लॉ बहुत ब्रॉड एरिया, उसमें लोग बहुत होशियार करता था, कहता था नहीं नहीं सिलेबस के अनुसार पढ़ के आया हूँ, क्या सर कुछ भी पूछ सकते हैं। उनके ऊपर वो गुस्सा होते और कहते थे ऐसे तो आप पढ़ लेंगे, और जो एक बता देता था उससे अमूमन उसी से क्वेश्चन पूछा जाता। क्योंकि लॉ में एक सब्जेक्ट होता है सी टी सी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता और इसमें मैं जब टेस्ट देना रहता है पढ़ता हूँ लिख लेता हूँ, तो उसके बाद कुछ भूल दे तो आर्डर रूल और सेक्शन में सब हाजिर हो जाता है। ये चीज था कि मैं यहाँ पर फिर यही यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से पी जी भी था पोलिटिकल साइंस से, और ला पढ़ते समय भी कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ जाता था, तो जूरिस्प्रूडेंस पर मेरी पकड़ अच्छी थी। और कोई बताया नहीं वहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस, मैं गया बोर्ड में उससे पूछा गया, मैं जूरिस्प्रूडेंस बताया, बोर्ड के पास कोई क्वेश्चन कायदे का नहीं था, वो हमसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे, केवल जस्टिस साहब थे वहीं हमसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछे तो कंसेप्चुअल बेसिस था। और लास्ट में कह रहे बोर्ड ने खुद कहा कि आप कहीं पढ़ाते हैं, हम कहें नहीं सर नहीं पढ़ाते हैं, हमसे 10 क्वेश्चन के लगभग पूछे गए। तो स्टूडेंट ने हमसे सबसे पहले पूछा गया कि आप एक टेक्निशियन बता रहे हैं, एक टेक्निशियन में सीसरो का बता रहा है, उसके बाद वो हमसे एक कल्चर का टेक्निशियन पूछे कहे कि क्या है, फिर उसके बाद सुप्रात का एक कोटेशन कहे कि सबको विज्ञान है कि क्या है सर क्या इसमें सही है, मैं कहा सबको विज्ञान है कह रहे हैं नहीं आप नहीं जानते ज्ञान सबको, वो अपना हमसे बहस करना चाहते हैं, कल कह रहे थे मैं मुस्कुराहट कर दिया नहीं सर सबको विज्ञान। वो हमसे कह रहे रास्को फाउंड का सोशल इंजीनियरिंग क्या है, रास्को फाउंड का सोशल इंजीनियरिंग में बहुत कायदे से बताया क्या क्या चीज़ें हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शास्त्र उसको क्या हाल है उसको मैं बताया।